पेयजल और सीवर से संबंधित समस्याओं के लिए निवारण समस्याओं के निवारण के लिए उत्तराखंड को स्वीकृति मिली है और इसमें हमारे लगभग सारे नगर निकाय जो लगभग 99 है राज्य में सभी उससे कवर हैं। जो हरिद्वार ऋषिकेश है यहाँ पर विशेष रूप से सीवेज से संबंधित कार्य से संपन्न कराए जाएंगे। 176 मिलियन डॉलर से ये हमारी पेयजल की जो सुविधाएं उसे दी जाएंगी और इसी तरह से लगभग 400 मिलियन डॉलर से सीवर अब जो पेयजल है और जो नाले हैं कहीं पर अगर कोई कहना चाहिए कि रिवर फ्रंट को डेवलप करना है इन सब कामों के लिए कुल मिलाकर 2500 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है जो 80-20 के 80 जिसमें 80% केंद्रांश होगा 20% ये राज्यांश होगा। ये सब ये IIB एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक जो है उसे फाइनेंस किया जाएगा। देखिए हमारे राज्य में लगभग 37% आबादी ये निकायों में रहती है, छोटे नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएँ हैं या महानगर निगम हैं, उन सब क्षेत्रों के लिए ये धन स्वीकृत हुआ है। मैं समझता हूँ कि उससे हमारे राज्य के जो तमाम निकाय हैं उनका सीवेज का और पेयजल की जो 24/7 पेयजल देने की सरकार की योजना है, हर घर घर नल की योजना है, उससे हम उस काम को संपन्न कराने में सफल हो पाएंगे।